माफिया मुख्तार और अतीक की मौत के बाद नहीं रुक रहा फोन करके धमकी देने का सिलसिला, देखें ये रिपोर्ट। भाजपा नेता व एडवोकेट मुदित कुमार शर्मा को मिली धमकी, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दी धमकी। मुख्तार और अतीक की मौत में बांदा के पंडितों का हाथ होने का किया जिक्र। मुदित शर्मा को बताया हिंदू संगठन का आतंकवादी। मुदित शर्मा व अन्य पंडितों को निशाने में लेकर सबक सिखाने की दिया धमकी। मुदित शर्मा के घर की लोकेशन व पता कॉलर के पास होने की कही बात और सबक सिखाने की दिया धमकी। पिछले दिनों वरिष्ठ जेल अधीक्षक को फोन कर जान से मारने की मिली थी धमकी। भाजपा नेता व एडवोकेट मुदित शर्मा ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से किया इनकार। पीड़ित भाजपा नेता व एडवोकेट मुदित शर्मा ने कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देकर लगाई अपनी जान की गुहार। मामला मुख्तार व अतीक की मौत के बाद धमकी से जुड़ा है। देखिए, एक प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ कोतवाली में प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बताया गया कि उनको व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर के नंबर से +92 से कॉल आई, जिनके द्वारा बताया गया कुछ माफियाओं का नाम लिया गया और उनसे उनको डराने की बात की गई। तो तत्काल में इसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया, टीम गठित की गई है और जो भी जिनके द्वारा भी शरारत की गई है धमकाया गया, उनको तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का कानून एवं विधि का प्रकोष्ठ का क्षेत्र का सह संयोजक हूँ। चूँकि चुनाव वर्ष चल रहा है तो हम लोगों को संगठनात्मक दृष्टि से 17 जनपदों में आना जाना पड़ेगा। अपनी पार्टी के भी आपने उच्च अधिकारी को बताया? हमने अपने संगठन के उच्च शीर्ष नेताओं को बताया है और रजिस्ट्री की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को किया, हमने DGP महोदय को किया है और बांदा जिलाधिकारी जी को प्रेस्टी से सूचित किया है, DIG महोदय को किया है और पुलिस कप्तान साहब से हम मिल के मैंने प्रार्थना पत्र दिया, अपर SP साहब को दिया, थाना कोतवाली में दे के मैंने FIR दर्ज कराई। फोन आया उसकी नफरत कुछ ऐसी बात समझ नहीं, ऐसा कुछ प्रतीत तो हो रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत तो हो रहा कि ब्राह्मणों से नफरत की होने के कारण ही ये फोन हुआ। लेकिन अचंभा ये है कि मुझसे बड़े भी इस जनपद में ब्राह्मण चेहरे हैं, ये फोन उनके पास आना चाहिए। पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मैं बहुत ही सामान्य अधिवक्ता हूँ और सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन कर रहा हूँ नगर में, मेरे पास ये फोन क्यों आया ये एक चिंता का विषय है। क्या लगता है कि मुख्तार और अतीक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? शायद जो वो फोन आ रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि उससे जो यही व्यक्ति का फोन आएगा और चूंकि अदस्य है तो मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ कि किसना कौन ही व्यक्ति। अब ये पुलिस विभाग का काम है कि वो अपने हिसाब से जांच करे।